2020 एक ऐसा साल जिसे लोग याद नहीं रखना चाहेंगे, क्योंकि इस साल लोगों ने अपने करीबियों को खोया। किसी के माता पिता चले गए तो किसी का पूरा परिवार ही चला गया। स्थिति इतनी भयावह थी कि केंद्र सरकार को 21 मार्च 2020 को एक ऐतिहासिक निर्णय लेना पड़ा और संपूर्ण देश में जनता कर्फ्यू यानी पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अग्रवाल और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। आज हम बात करेंगे वैक्सीनेशन के दो डोज जरूरी में। मार्च 2020 में जब जनता कर्फ्यू लगा तो इसके साथ ही सारे काम ठप पड़ गए, फैक्ट्रियां बंद हो गई और इस वायरस ने लोगों को शारीरिक और मानसिक रूप से ही नहीं बल्कि आर्थिक रूप से भी तोड़ दिया। काम बंद होने से कई राज्यों में कार्यरत मजदूर वर्ग के लोग पैदल ही पलायन को मजबूर हो गए। महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु और राजस्थान सहित सभी राज्य इस कोरोना के कहर से त्रस्त थे। भविष्य में कोई उजाले की किरण नजर नहीं आ रही थी और न ही इसका कोई सीधा इलाज था। तो वही सबसे प्रभावित देशों की बात करें तो अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत तीसरे नंबर पर था, और राजस्थान की बात करें तो कोरोना का बड़ा विस्फोट जयपुर और भिलवाड़ा में हुआ। अच्छी बात ये रही कि डॉक्टर्स और प्रशासन ने मिलकर भिलवाड़ा में कोरोना की चेन तोड़ी और एक मिसाल कायम की, जिसे भिलवाड़ा मॉडल नाम दिया गया। यह मॉडल देश के सभी राज्यों में लागू किया गया। उधर जयपुर में भी डॉक्टर्स द्वारा कोविड पेशेंट्स को ठीक करने की खबरें आ रही थी। लगातार 4 महीने तक जनता 4 दीवारी में बंद थी, लेकिन खतरा टला नहीं था। 17 जून को सरकारी निर्देशों के अनुसार और कुछ रियायतों के साथ अनलॉक 0.1 यानी लॉकडाउन खोल दिया गया, लेकिन कोविड पर लगाम नहीं लगाई जा सकी। यह महामारी इतनी तेजी से फैल रही थी और लोग इसकी चपेट में आते जा रहे थे। उम्मीद की किरण तब नजर आई जब 2 वैक्सीन का इजाद हुआ। सरकार और वैज्ञानिकों द्वारा कोवैक्सीन और कोविड शील्ड पर काम शुरू किया गया, ट्रायल्स भी किए जा रहे थे। देश में विश्वास था कि जल्द ही वैक्सीन आएगी और हम इस बीमारी के भंवर से बाहर निकलेंगे। इस कोरोना काल में एक और अच्छी बात हुई कि दिसंबर तक आते आते कोरोना ठंडा पड़ गया, लेकिन लापरवाही बढ़ गई और लोगों ने मास्क लगाना तक छोड़ दिया। सार्वजनिक व सामाजिक कार्यक्रमों और चुनावी रैलियों में वे इतने मशगूल हो गए कि उन्हें लगा कि कोरोना खत्म हो चुका है। बस यही एक कारण था कि कोरोना की सेकेंड वेव ने दस्तक दी और मार्च 2021 के अंत तक एक नए रूप में कोरोना का कहर शुरू हो गया। कोरोना का यह रूप इतना भयानक था कि इस बीमारी की चपेट में आए पीड़ित सांसों से संघर्ष कर रहे थे। यही नहीं, हॉस्पिटल्स में बेड्स नहीं थे और ऑक्सीजन के लिए भी मारामारी थी। एक बार फिर से वही तड़प और अपनों को खोने का डर हमें देखने को मिला, जो हम कभी नहीं देखना चाहते थे। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य राजनेता भी इस घड़ी में भावुक नजर आए। देखा जाए तो पिछले साल में जितनी मौतें हुई है लगभग उतना ही आंकड़ा 2021 के इन 4 महीनों में देखा गया। मंजर ऐसा था कि अन्य देश भी भारत के लिए चिंतित थे। इस कोरोना काल में लोग एक दूसरे से दूरी बनाए रखने में ही सुरक्षित महसूस करने लगे। इतना डर गए कि परिवार के लोग भी एक दूसरे से दूरी बनाकर रखने लगे। कोविड टेस्ट कराने में भी लोगों को असहजता महसूस होने लगी। इस समस्या के निवारण के लिए सरकार द्वारा कोविड होम टेस्टिंग किट की लॉन्च की गई, जिससे लोग घर पर ही टेस्ट कर बीमारी का पता लगा सकते हैं। इसी बीच वैक्सीनेशन का दौर भी जारी था। भारत में 16 जनवरी 2021 को कोविड शील्ड और कोवैक्सीन लॉन्च की गई। क्योंकि हिंदुस्तान की जनसंख्या 135 करोड़ थी, इसलिए सभी को एक साथ वैक्सीन लगना नामुमकिन था। इसलिए सरकार ने बुजुर्गों को यानी 65 साल से या उससे अधिक उम्र को सुरक्षा के घेरे में लिया। इसके बाद दूसरे चरण में 45 से 60 साल के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हुआ। इसी क्रम में 18 से 45 तक के लोगों को भी वैक्सीन लगाना शुरू कर दिया गया और सितंबर 2021 तक करीब राजस्थान में 84% जनता फुल वैक्सीनेटेड हुई। वहीं भारत में 85 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है, जो विश्व में किसी भी देश से सबसे अधिक है। शुरुआती दौर में देखा जाए तो देश की संपूर्ण जनता उत्साहित थी, जहाँ
एक तरफ कोविड की तीसरी लहर की संभावना हो रही थी, वहीं पोस्ट कोविड के पेशेंट्स की संख्या भी बढ़ रही थी। दूसरी लहर के बाद लोगों में वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता बनी और विश्वास भी बढ़ गया। कोविन ऐप और आरोग्य सेतु ऐप से रजिस्ट्रेशन करवाकर स्लॉट्स बुक करवाने के लिए लोगों में होड़ लग गई। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने घोषणा की कि केवल रजिस्ट्रेशन से ही जनता केंद्र पर जाकर वैक्सीनेशन करवा सकती है। आलम ये था कि कैंपों में भीड़ लगने लगी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर एक दिन में 2.5 करोड़ लोगों ने वैक्सीनेशन करवा कर दुनिया में रिकॉर्ड बनाया, जिसकी जानकारी खुद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट के जरिए दी। प्रसन्नता की बात ये थी कि एक वर्ष पूर्व जहां सारे प्रमुख समाचार पत्रों और न्यूज चैनल्स सिर्फ कोरोना की खबरों से भरे थे, अब उनमें राहत थी। इससे स्पष्ट होता है कि हम कोरोना की जंग काफी हद तक जीत चुके हैं, लेकिन संपूर्ण जीत अभी बाकी है। अभी भी हमें और जागरूकता पैदा करने की जरूरत है। अभी बच्चों में वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, और जिन लोगों ने अभी तक टीकाकरण नहीं करवाया है उन्हें भी जागरूक करने की आवश्यकता है। इसमें युवा वर्ग भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अब भी लापरवाही की गई तो कोरोना की तीसरी लहर से हमें कोई नहीं बचा सकता। और जो लोग फुली वैक्सीनेटेड हो चुके हैं वो भी ये ना समझे कि अब वो कोरोना फ्री हो गए हैं, क्योंकि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर लापरवाही होती है तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, जानते हैं हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर अनिल सामरिया से। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल सामरिया, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस हमारे पिछले 2 लहर में काफ़ी नुकसान पहुंचा चुका है, तो आप इन सब से कोरोना से जो बचना चाहते हैं और थर्ड लहर नहीं आए, इसके लिए मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करता हूँ, जिन लोगों ने भी वैक्सीनेशन अब तक नहीं कराया है वो जल्द से जल्द अपना वैक्सीनेशन करा लें, ताकि हम आने वाले थर्ड वेव से बच सकें और इसका वापस सामना ना करना पड़े। कोरोना वायरस कभी भी वापस आ सकता है अगर हम लापरवाही करेंगे। जैसे हम देख रहे हैं कि लोग अभी भी लापरवाही करना चालू कर दिया है, मास्क तो सबने लगभग छोड़ ही दिया है। मास्क पहनना आजकल तो लोगों को मैंने काफ़ी 80% लोगों को मास्क नहीं पहनते हुए देखा है। लोग ग्रुप में घूम रहे हैं, पार्टियाँ कर रहे हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं, इधर से एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं और मास्क अपने बिल्कुल नहीं करेंगे, जो कि हमारे लिए घातक हो सकता है। अगर एक भी कोरोना वायरस आपके संपर्क में आता है तो ये आपका जरिया बन सकता है किसी लहर आने का। तो आपसे अनुरोध है, मास्क का उपयोग अभी छोड़ेगा। आपने अगर 2 वैक्सीनेशन करा लिए तो ये बहुत ही अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा सहयोग किया है अपने स्वयं के लिए, समाज के लिए और देश के लिए। तो आपसे मैं अनुरोध करता हूँ, जिन्होंने वैक्सीनेशन कराया है, 2 वैक्सीनेशन करा चुके हैं, वो भी मास्क का उपयोग करें, एक दूसरे परस्पर दूरी बना के रखें, अभी भी सैनिटाइज का उपयोग करें, जहाँ पर संभव हो तो आप कम से कम बाहर निकलें, आवश्यक हो तो निकलें। कोरोना वायरस का प्रभाव हम अभी देख रहे हैं कि USA में भी अभी वापस चालू हो गया है, तो हमें इसके प्रति सजग रहना की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि दूसरे लहर की जैसे हमें वापस इसका सामना करना पड़े और हमें बहुत नुकसान उठाना पड़े। कोरोना के लिए जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराया है अब तक, या जिन्होंने एक डोज ले चुके हैं वो अपने तुरंत वैक्सीनेशन कराए, दूसरी डोज भी जल्दी से जल्दी लग लें। आपका अगर मैसेज आ गया है कि आपका सेकेंड डोज लगना है तो आप तुरंत लगाएँ। अगर आप इसको मिस कर चुके तो घबराएं नहीं, तुरंत जाके आज ही अपना वैक्सीनेशन कराएं, ताकि हम सुरक्षित रहें, समाज सुरक्षित रहे, देश सुरक्षित रहे। तो कोरोना के प्रति हमें अभी सजगता की आवश्यकता है, लापरवाही की नहीं। अगर लापरवाही करेंगे तो जल्द ही हम वापस चीज लेती और बढ़ जाएंगे और उसका जो विनाशकारी रूप है हमें देखने को मिलेगा। बच्चों में वैक्सीनेशन नहीं हुआ है इसलिए उनका अवश्य ध्यान रखें, उन्हें भीड़ भाड़ वाले एरिया से जाने से बचाएँ, इधर उधर नहीं जाएँ, हमेशा कहीं भी घर से बाहर बच्चे निकले तो उन्हें मास्क का उपयोग जरूर दें, उनको समझाएं कि बेटा मास्क लगाना है, अभी लापरवाही नहीं करनी है। बच्चे बहुत ही ज़्यादा समझदार होते हैं हमसे ज़्यादा, आप उन्हें देखेंगे तो वो हमेशा मास्क लगाते रहेंगे। एक बार आपने उनको समझा दिया तो हमेशा समझदार हैं, स्कूल जाते वक्त भी अपना वो मास्क लगा के रखें, क्लास रूम में भी अगर बच्चे आप बैठते हो तो एक दूसरे से दूरी बना के बैठें, मास्क लगा के रखें, टीचर या दूसरे फ्रेंड से मास्क लगा कर ही दूर से बात करें, भीड़ नहीं करें,
इंटरवेल में आप पास पास सट सट के ना बैठें, पास पास ग्रुप बना के नहीं खेलें, ये आपके लिए गंभीर हो सकता है। तो मैं बच्चों से, बड़ों से, सभी से मैं विनम्र निवेदन करता हूँ कि अभी सजग रहें ताकि हम थर्ड लेयर से बच सकें, लापरवाही नहीं करें, वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी कराएं ताकि हम इस महामारी से बच सकें और आने वाली तीसरी लेयर से बच सकें। धन्यवाद। इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए सबसे पहले मैं डॉक्टर अनिल सामरिया का आभार व्यक्त करती हूँ। जैसे कि डॉक्टर ने कहा कि वैक्सीनेशन टाइम से करवाएं और मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान जरूर रखें। जैसा कि हम सबको पता है कि कोवैक्सीन की सेकेंड डोज 28 दिनों के बाद और कोविडशील्ड की सेकेंड डोज 84 दिन बाद लेकिन कुछ लोग किन्हीं कारणों से सेकेंड डोज लगवाने में चूक जाते हैं। उसकी चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आप जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करवा सकते हैं, इसका कोई दुष्परिणाम नहीं होगा। जल्द ही वैक्सीनेशन करवाएं क्योंकि दोनों डोज के बाद ही इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी और हम कोरोना से लड़ने में सक्षम होंगे। जो लोग फुली वैक्सीनेटेड है, मैं उन लोगों को भी कहना चाहूंगी कि वो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें क्योंकि कोरोना संक्रमित मरीज अभी भी मिल रहे हैं और अब भी रोज संक्रमित होने वाले मरीजों का आंकड़ा 20 या 25 हज़ार तक के बीच देखा गया है। हो सकता है कि वैक्सीनेशन के बाद कोविड के जानलेवा परिणामों से आप बच जाए, लेकिन कोविड के बाद होने वाले दुष्प्रभाव जैसे ब्लैक फंगस, फेफड़ों का कमज़ोर होना या अटैक जैसे घातक असर भी हो सकता है। अतः कोविड से बचने का एकमात्र तरीका सिर्फ वैक्सीनेशन है। अंत में सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे और वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। और देखते रहें स्वामी न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।